मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालने आज के सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद जिले में पोस्ट कोविड ने दी दस्तक। एसकेएमसीएच में भर्ती बच्चों में हुई पुष्टि। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण शहर के निचले इलाके में पानी करने लगा प्रवेश। और जिला लोजपा के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को ही अपना नेता मानने का किया ऐलान। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद जिले में पोस्ट कोविड ने दी दस्तक। एसकेएमसीएच में भर्ती एक बच्ची में हुई इस बीमारी की पुष्टि। ब्लैक फंगस के बाद जिले में पोस्ट कोविड बीमारी एमआईएस ने दस्तक दी है। यह बीमारी बच्चों को अपना शिकार बनाता है। मीनापुर के मेतनापुर गांव के बच्ची अंशु को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है जिसमें एमआईएस की पुष्टि हुई है। उपाधीक्षक डॉक्टर गोपाल शंकर शानी ने अंशु में इस बीमारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अंशु को पीकू में भर्ती कराया गया है और उसका गहन इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहनी बताते हैं कि इस बीमारी से पीड़ित के किडनी लीवर और हार्ट में संक्रमण फैलता है। समय से इलाज नहीं होने पर बच्चे की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि एसकेएमसीएच में इसके इलाज की पूरी व्यवस्था है। इस बीमारी के दस्तक से जिला स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। एडल्ट में कोविड के बाद म्यूकर माइकोसिस होता था जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, उसी प्रकार से बच्चों में कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह ये एमआईएसएम मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम करके ये बीमारी अभी है। ये बिहार में भी रिपोर्टेड पहले पटना में हुए थे आज से 10-15 दिन पहले, और दिल्ली वगैरह और महाराष्ट्र में भी होते थे। तो ये बेसिकली कोविड होने के बाद का ये कॉम्प्लिकेशंस है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में। इसमें बच्चे को जैसे कि तेज़ बुखार आएगा और बुखार ठीक होगा नहीं जनरल ट्रीटमेंट से, फीवर ये परसिस्टिंग रहता है, परसिस्ट करता है, प्लस आँख में लालीपन भी हो सकता है। उसके बाद इसको बॉडी में रैशेस भी निकलेंगे, दाना जिसको बोलते हैं वो, और प्लस इसको जीआईटी सिम्टम जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्ती, ये सब होगा। और साथ में सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इन्फ्लामेशन से हार्ट को डैमेज करता है इसमें, जिसके चलते बच्चे को मायोकार्डाइटिस हो जाते हैं और वो कार्डियोजेनिक शॉक में चले जाते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर इसका फॉल करने लगता है, और ये बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। और इसके मुख्य लक्षण है कि बच्चे को ब्रेथलेसनेस बढ़ता जाएगा और उसके बॉडी में सूजन होने लगेगी और धड़कन और रेस्पिरेटरी रेट सब बढ़ता चला जाएगा और बच्चे बेहोश होने लगते हैं। इसका यही पहचानने का तरीका है। तो ये बीमारी तो जैसे एसकेएमसीएच में तो कल पहला केस हमको है, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी अभी तक मैंने सुना नहीं है, हो सकता मुजफ्फरपुर का भी पहला केस हो। और इसका डायग्नोसिस हम लोग ने कल कंफर्म किया जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन जब मैंने भेजा तो इनके डी डायमर करीब 3000 थे जो कि नॉर्मली 250 होना चाहिए, सीआरपी लेवल 125 थे जो कि 5 से ज़्यादा हो गए, और सीरम फेरेटिन भी 325 थे। और उसके बाद मैंने एक्सरे और एक ईसीजी वो सब करा के हम लोगों ने सब मिलकर ये डायग्नोसिस पर पहुँचे कि इसको एमआईएस है। और ट्रीटमेंट भी हम लोग कल स्टार्ट कर दिए, आईवीआईजी इसका मेन ड्रग है, और फॉर्चुनेटली बच्चे का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लास्ट 24 आवर में हुआ है। हालांकि बच्चे अभी भी गंभीर स्थिति के जो चूँकि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत डेंजर चीज़ होता है, डेंजरस कंप्लीट। इस बच्चे में क्या सिम्टम्स? इस बच्चे का सिम्टम था कि फीवर इसको करीब 10 दिन से नहीं उतर रहे थे और पूरे बॉडी में सूजन हो गए थे पूरे बॉडी में, उसी लेकर के यहाँ भर्ती हुए हमारे पास। जब हम लोगों ने एग्जामिन किया तो इसको उसी में कार्डियोजेनिक शॉक में था, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट था, और हम लोगों ने तुरंत उसको ट्रीटमेंट आइनोट्रॉप हम लोग बोलते हैं दो विटामिन पर रखा उसको, ऑक्सीजन दो विटामिन। और कल सुबह में ही इनका ब्लड हम लोग को शक हो गया कि हो सकता है वही बीमारी हो, कल सुबह ही मैंने इसका ब्लड टेस्ट कराया, 2 घंटे में ब्लड का रिपोर्ट भी आ गया और तब उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट किए, और फॉर्चुनेटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्ड है बच्चे, मुझे तो विश्वास है कि इम्प्रूव कर जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चे खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। संक्रमण की संभावना क्या रहती है? नहीं, इससे किसी को संक्रमण नहीं हो सकता क्योंकि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, ये एक्टिव कोविड नहीं है। एक्टिव कोविड में ये स्प्रेडिंग का चांसेस है, ये तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। कभी इसको 20 दिन पहले चाहे 1 महीना पहले कोविड हो सकता हुआ हो, क्योंकि बच्चे में ये कन्फर्म मिलता भी नहीं है कि इसको कोविड हुआ था, क्योंकि बच्चे का जो कोविड है वो माइल्ड नेचर का था, माइल्ड या मॉडरेट रहता है, जिसका हल्की खांसी हल्की बुखार रहा होगा। जैसे इस बच्चे में हिस्ट्री मिला था
कि 20-25 दिन पहले इसको 2-3 दिन के लिए फीवर आया था, तो इन लोग एज इग्नोर कर दिए होंगे इनके मदर फादर, हो सकता है इसको कोविड रहा हो, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चे में ये हिस्ट्री मिले ही कि इसको कोविड हुआ था। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद शहर के सटे निचले इलाके में बूढ़ी गंडक का पानी प्रवेश करने लगा। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मॉनसून की दस्तक के साथ तेज बारिश से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस कारण शहर से सटे सिकंदरपुर अखाड़ा घाट इलाके में बूढ़ी गंडक नदी के निचले हिस्से में पानी प्रवेश कर रहा है। इससे करीब 500 झोपड़ी पर खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन के अनुसार 2 दिन पहले 4 लाख क्यूसेक पानी गंडक बराज से डिस्चार्ज किया गया था, उस कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ रहा है। शुक्रवार को बराज से 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो रूटीन है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में गरज के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ अखाड़ा घाट पुल पे, और हम अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बूढ़ी गंडक नदी की जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आसपास के मोहल्ले के लोग जो हैं उनके अंदर भय सताने लगा है। ये इलाका जो आपको दिख रहा होगा, ये सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के आसपास के इलाका है, जैसे कर्पूरी नगर, आश्रम घाट और लकी ढाई सहित कई ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें पानी फैलना शुरू हो गया है। तो साफ तौर पे जो बिहार में लगातार बारिश हो रही है, इसके वजह से बूढ़ी गंडक सहित कई नदियों का जलस्तर में लगातार उफान देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों के अंदर भय बना हुआ है। बात करें अगर बूढ़ी गंडक नदी की, तो बूढ़ी गंडक नदी की जलस्तर में डेंजर जोन से महज 2 फीट नीचे बह रही है। विभाग की ओर से अलर्ट जारी होने के बावजूद शहरी क्षेत्रों से जुड़े बांध की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। दादर कुंडल से लेकर सिकंदरपुर और चंदवारा तक बांध जगह जगह धस कर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बांध की स्थिति और जर्जर होती जा रही है, जिसकी वजह से शहर पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं पिछले साल अय्यापुर के निकट विजय छपरा में बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूट गया था, जिसके कारण भारी तबाही मची थी। वहीं इस बार उस जगह की मरम्मति हो गई है, लेकिन पूरे बांध की मरम्मति ना होने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि बांध कभी भी टूट सकता है, जिसके कारण तबाही मच सकती है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर के विजय छपरा, ये अहियापुर का इलाका है, और पिछले साल यहीं पे हम अपने बगल में दिखाना चाहेंगे, यहीं पे बांध टूटा हुआ है। सबसे पहले हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से पानी जो है वो फैलने लगा है, यानी जो भी निचले इलाके हैं उनमें पानी तेज़ी से फैलने लगा है। तस्वीर आपके सामने है, ये मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके के विजय छपरा इलाका है। साफ तौर पे देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है जहां पे पिछले साल बांध टूटी थी। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ खत्म होने के बाद बांध को पूरी तरीके से मरम्मत करा ली गई है। रिंग बांध है, देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति है इस बांध की। बोरा के जरिए इसको सही किया गया है और मिट्टी भी ऊपर डाला गया है। तस्वीर आपके सामने, ये मुजफ्फरपुर में पिछले साल जो बांध टूटी थी, टूटने के बाद इस इलाके में पानी फैल गया था, जिससे हजारों जो लोग हैं यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो परेशान हो गए थे। लोगों के अंदर अब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके अंदर भय समाने लगा है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि बाढ़ जो है बूढ़ी गंडक नदी में वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के कारण यहाँ स्थानीय लोगों में काफ़ी भय का माहौल है। यहाँ पिछले साल बांध टूटा हुआ था जी, क्या स्थिति है इस बांध की? इस बांध की स्थिति वो अभी तो यही है, जहाँ टूटा हुआ था वहाँ बंध गया, मरम्मतीकरण हो गया है। अभी जो बूढ़ी गंडक में जो पानी का फुहान है, वो बांध में सटने के बाद ये कहीं भी जैसे ओवरफ्लो होता है नदी, तो कहीं भी टूट सकता है इस बांध में। और यहाँ के ग्रामीण है जो ज़्यादातर ऊँचे जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ जिसको जैसा व्यवस्था बनता है उस हिसाब से अपना व्यवस्था में। बांध के समय में कैसे आप लोग और कहाँ रहते हैं? बांध के समय में छत पर रहते हैं, ऊंचे ऊंचे टापू पर चले जाते हैं, जहाँ माल जाल बच सके। ये जो बांध जिला प्रशासन के द्वारा जो पिछले साल टूटा हुआ था, जो बांधा गया है, क्या इस बार बाढ़ को झेल लेगा? हमको नहीं लग रहा है कि इस बार ये बाढ़ को ये बांध झेल सकता है, कहीं भी टूट सकता है, क्योंकि नया मिट्टीकरण है।
और इस बांध में 10-15 जगह ऐसे है जगह है जो बारिश के पानी से भी खराब हो चुका है, है ना, पानी का ओवरफ्लो का लोड नहीं सह पाएगा। इसके अलावा भी हम लोग सड़क से अंदर जब घुसे हैं तो रास्ते में कई जगह ऐसे बांध थे जो जर्जर स्थिति में थे, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कई जगह ऐसे जो बाढ़ बढ़ने पे बांध पे प्रेशर कर सकता है? लगभग 10-15 जगह ऐसा है कि बाढ़ का प्रेशर पड़ने पर वो टूट सकता है, बह सकता है। साफ तौर पे देख सकते हैं कुछ और स्थानीय लोग हैं, क्या कह रहे थे आप बांध के? मेरे कहने का मतलब है कि समझ लीजिए पूरी स्थिति खत्म है बांध का, समझ लीजिए कहूँ से टूट सकता है सर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कंडीशन सही है या नहीं है पूरे? मेरे कहने का मतलब पूरे नदी नजदीक में है बूढ़ी गंडक, हमेशा टूटता है, कोई कहने वाली नया बात थोड़ी है सर। पानी का क्या स्थिति है अभी? पानी तो अभी बढ़िया रहा सर। क्या लग रहा है जिस तरीके से पानी लगातार बढ़ रहे हैं, कितना भय आप लोगों के अंदर बना हुआ है? हम लोग हर साल ये दुख झेलना पड़ रहा है, और पिछले बार भी ऐसा भयानक बाढ़ पानी उफान में आया था कि बांध जो है टूट गया था, और इस बार सरकार बना भी दिया तो देखिएगा अभी बरसे की मार से ही जगह जगह पर रिसाव छेद उद हो गया हुआ है। हम लोग भी आज उठाए हैं तो सरकार जो है बुरा बुरा भेजवा दिया हुआ है कि जे जब जरूरत पड़ेगा तो यही बुरा को यूज़ किया जाएगा, लेकिन नया नया ताज़ा माटी है, वर्षा जब सह नहीं पा रहा है तो जो बाढ़ के पानी आएगा उसको भी हमको लगता है कि नहीं सह पाएगा, इसलिए सरकार को इस पर और बेसी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो बना हुआ है बांध इसमें अक्सर बालू का ही यूज हो रहा है, देखिएगा आप लोग गौर से तो इसमें बालू ही नज़र आएगा, और ये बांध टूट जाता है तो ये जो है वो जो सीतामढ़ी जो रोड है उसके लेवल ऊंचाई में ये बांध रहा है, टूटता है तो डायरेक्ट उस पानी छरपेगा और जाकर SKMCH को नुकसान पहुंचाएगा, समझिए कि पूरा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम खराब हो सकता है मुजफ्फरपुर जिले का। पिछले साल जो बांध टूटा हुआ था कितनी मुश्किलें हुई थी, कैसे आप लोग रह रहे थे? पिछले बार जब बांध टूटा था तो यहाँ पर समझिए कि थोड़ा सा कुछ भी पानी मान तो टिलकी उलकी कुछ नहीं था, हम लोग यहाँ पर जो है जो अनाज उनाज था सब समझिए कि जो दो तीनों चौकी था उसी चौकी को जोड़िया उजा कर उस पर अनाज उनाज रखे हुए थे, और जो माल जाल है उसको हम रोड ओ पट्टी लगे हुए थे, कोई आदमी जो है अपना किराया के रूम लेकर के किराया वाला भी एक महीना के लिए जो है मोटी से मोटी रकम चार्ज किया 8,000-7,000 इस तरह से महीना में चार्ज किया, मजबूरी के कारण हम लोग 8,000-7,000 पर रहे, और सरकार जो कुछ सुविधा ही पहुँचाने आता था तो हम लोग जो है तितर बितर हो गए हुए थे, वो आता था इस एरिया में तो कुछ लोग भेंट होते नहीं थे, कोई अपना नलिहाल चला गया हो, कोई मौसी करने फुआ करने चला गया हो, इस तरह से जो है ना सब अपना समय कटाया सब कुछ का यहाँ पर दिक्कत। क्या लग रहा है इस बार जिला प्रशासन की जो तैयारी है इस बार बाढ़ से, इस बांध के सहारे जो काम हुआ है उसके सहारे जिला प्रशासन बाढ़ से लड़ सकती है इस बार? जिला प्रशासन तो लड़ने के पूरा तैयारी हर साल करती है, लेकिन हर बार जो है विफल हो जाती है, हम लोग जो है हर बार जो है बाढ़ से ज़्यादा तकलीफ झेलते हैं, और उनका जो व्यवस्था है धरे के धरे रह जाता है, कुछ नहीं। बिल्कुल साफ तौर पे ये थे स्थानीय लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन हर साल कुछ न कुछ तैयारी करती है बाढ़ की पूर्व लेकर, लेकिन बाढ़ आते ही जिला प्रशासन की तैयारी का सारा पोल खुल जाता है। अगर इस जगह की बात कर ले तो ये अगर बांध टूटती है तो सबसे ज़्यादा असर SKMCH पे होता है या आसपास के इलाकों में होता है, और जहाँ टूटा हुआ था वहाँ तो मरम्मत करा ली गई है, लेकिन बांध के अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बांध में रिसाव शुरू हो गया है। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बाढ़ में कैसे जिला प्रशासन निपट पाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। जिले में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस भी अपना पांव पसार रही है। अब तक कुल 6 मरीज SKMCH में भर्ती हुए हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई। जिले में कोरोना महामारी के दूसरे लहर के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया था, जिसमें कुल 6 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। वहीं 3 मरीजों का SKMCH में सफल ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था और 2 को पटना रेफर किया गया था। इन दिनों SKMCH में दवा के अभाव में ब्लैक फंगस के मरीज पटना रेफर किए जा रहे हैं। SKMCH अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का यहां सफल ऑपरेशन किया गया, एक मरीज क्योर होकर डिस्चार्ज हुआ। इस बीमारी के लिए एक प्रमुख दवा एम्फोटेरिसिन B की अगर समय से उपलब्ध हो तो आगे भी मरीजों का सफल इलाज किया जा सकता है। अब दवा उपलब्ध है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्शन के अभाव में रेफर किया जा रहा है। नहीं है, हमारे यहाँ 3 ऑपरेशन हुए थे और कुल 6 केस रिपोर्ट हुए यहाँ पर, और एक रेफर हुए, एक डेथ हुआ, एक 2 रेफर हुए, एक डेथ हुआ और एक डिस्चार्ज हुए, तो फिलहाल उसका OPD में भी कोई रिपोर्टिंग नहीं है और हमारे यहाँ इंडोर में भी नहीं है।
सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी किया जी, यहाँ के डॉक्टर, उसके बावजूद अब यहाँ से रेफर किया जा रहा है, सर कारण क्या है? रेफर कारण है कि उसका जो आगे का जो प्लास्टिक सर्जरी है, रिकंस्ट्रक्शन होना है, तो वो जो जो बहुत विशिष्ट संस्थान होते हैं वहीं उपलब्ध होता है, तो उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। दवाओं की उपलब्धता नहीं हो पाएगी? ये दवा की उपलब्धता रही है, बीच में एक दिन गैप रहा है, लेकिन फिर दवा आ गई है। मणिका गांव में सीमेंट कारोबारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। कारोबारी ने मिठनपुरा थाने में FIR दर्ज कराई है। क्षेत्र के मणिका निवासी सीमेंट कारोबारी राजीव लोचन कुमार से 2 लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी की राशि उनके मोबाइल पर कॉल कर 12 जून को मांगी गई है। इसे लेकर कारोबारी ने 13 जून को मिठनपुरा थाने में FIR कराई है। इसमें स्थानीय डेयरी कारोबारी भारत राय को आरोपित किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। राजीव लोचन कुमार ने बताया कि आरोपित ने उनकी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन इधर कई दिनों से खर्च के लिए लगातार रुपए का डिमांड कर रहा था। 12 जून को आरोपी ने फोन कर 2 लाख रुपए का डिमांड किया, साथ ही धमकी दी कि अगर राशि नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद से उनका पूरा परिवार दहशत में है। इधर नगर DSP राम नरेश पासवान ने बताया कि मामले में FIR कर ली गई है, वैज्ञानिक तरीके से जांच भी शुरू कर दी गई है, जल्द दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नवल राय जी के सुपुत्र भरत राय 3-4 दिन से बोल रहे थे कि भाई कुछ खर्चा उर्चा कीजिए, हम उसको मजाक में ले रहे थे। 12 तारीख को 8:25 पर उन्होंने हमको फ़ोन पर कहा 2 लाख रुपया रंगदारी दो तो घर में घुस के गोली मार देंगे, और मेरे जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया और बोले कि जा तुम घर से बाहर निकलो, हम आ रहे हैं। हम लोग अपना घर में थे, दो तीन मोटरसाइकिल से मेरे घर के बाहर आए, निकलो अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे थे और कैसे निकलो साला गोली मार देंगे। हम लोग अपने घर में रहे, सहमे हुए हैं पूरा परिवार, दुकान भी नहीं खोल रहे हैं। क्या करते हैं? दुकान करते हैं, सीमेंट का दुकान है मेरा। कंप्लेन वगैरह शिकायत किए हैं? जी कंप्लेन शिकायत किए हैं, थाने में FIR भी दर्ज हो गया है, अनुसंधान चल रहा है। हमको उस अनुसंधान पर थोड़ा लगता है शंका है, क्योंकि पूरा मिशनपुरा थाना के जो स्टाफ हैं वही भरत राय जी के भारत जल और भारत डेयरी पर बैठते हैं, पानी तानी सबका सप्लाई यहीं से होता है, यहाँ से लेकर टाउन थाना तक। उनको सरकार पर भरोसा है, ऊपरी ऊपर वाले अफसर पर भरोसा है, वही उचित कार्रवाई करें। कब की घटना है ये, कितना दिन हो गया? 12/6/21 को रात्रि 8:25 पर मोबाइल पर फ़ोन आया, जिसका वीडियो जिसका कॉल भी मेरे साथ उपलब्ध है। आज मैं थाना प्रभारी महोदय को और जिनको केस दिए हैं उनको आज वीडियो ऑडियो देना है कैसेट। वार्ड नंबर 16 में मेयर और उपनगर आयुक्त ने हर घर जल योजना के तहत समर सिविल का उद्घाटन किया। आत्मनिश्चय योजना के अंतर्गत हर घर में नल जल परियोजना के तहत शनिवार को नगर निगम के द्वारा वार्ड संख्या 16 में उपनगर आयुक्त हीरा कुमारी और महापौर सुरेश कुमार ने संयुक्त रूप से विधिवत पूजा के साथ समर सिविल लगाने का कार्य शुभारम्भ किया। वहीं उपस्थित उपनगर आयुक्त हीरा कुमारी ने बताया कि 2 महीने के अंदर नगर निगम के सभी क्षेत्रों में समर सेबुल चालू हो जाएगा, जिससे लोगों को पेयजल की समस्या का समाधान हो पाएगा। वार्ड में आवश्यकता अनुसार किसी वार्ड में 4 है, किसी वार्ड में 3 समर सेबुल का योजना दिया गया, किसी में 2 भी है। कुल कितने अभी तक शुरू हो चुके हैं? 31 वार्ड में शुरू हो चुके हैं, 62 समर सेबुल हो चुके हैं। ने बताया कि सभी जल मीनार, पंप हाउस और नए समरसेबुल को चालू कर शहर की पेयजल समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है, जो उनका 7 निश्चय में है, कि हर घर में पानी पहुंचाना, शुद्ध पानी पहुंचाना, उसी के मद्देनज़र नगर निगम जो दायित्व है, हम लोग का दायित्व है, 49 वार्डों में हम लोगों ने 4-4 कहीं 3-3 जो भी पार्षदों रिक्वायर दिया, उसी के हिसाब से हम लोगों ने उनके यहाँ समरसेबुल प्लस पाइपलाइन, जहाँ जहाँ गली में पाइपलाइन, उसके बाद टावर बना के उस पर 1,000 का 2 टंकी लगाना है, दिन भर पानी चलेगा। उसमें ये नहीं है कि मोटर खोलिए आप पानी आएगा, सो नहीं, 24 घंटा पानी चलेगा। इसी का लगभग सब वार्ड में धीरे धीरे काम शुरू हो गया, चूँकि ये टेंडर प्रक्रिया हो, जो टेंडर प्रक्रिया में टाइम लगा,
लेकिन संभवतः 2 महीना में ये कार्ड संपूर्ण 4900 वाट में कार्ड संपन्न हो जाएगा और हर एक घर में पानी जाना शुरुआत हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखा जाए कि दिन भर पानी मिलेगी, ये नहीं कि सुबह और शाम वाला बात नहीं, दिन भर पानी मिलेगा। आज ये शुभारम्भ यहाँ हुई है और वार्ड में बन चुका है, उसका उद्घाटन संभवतः इस सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी आएंगे वो करेंगे। और पुराने जल मीनारों का, हाँ उनका भी पुराने जो जल मीनार 11 है वो जो है सो उसका समझौता सब कुछ बन चुका है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सज्जन से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कांग्रेस जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 51वें जन्मदिन पर सेवा दिवस मनाया गया। राहुल गांधी के 51वें जन्मदिन के अवसर पर शनिवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में सादगीपूर्ण तरीके से जन्मदिन मनाया गया। राहुल गांधी कोरोना महामारी की वजह से इस साल भी जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 19 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन न करें, वहीं इससे जुड़ी कोई होर्डिंग, बैनर या पोस्टर न लगवाएं, बल्कि अपने पास मौजूद संसाधन का इस्तेमाल कर आम लोगों की मदद करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में सेवा दिवस के रूप में राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान गरीबों के लिए अनाज, दवा, मिठाइयां और मास्क का वितरण किया गया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस अलाकनामा के आदेश पर सादगीपूर्ण तरीके से जन्मदिन मनाया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्धन लोगों की सेवा की। अभी प्रधानमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा है। आज हम लोग गरीब जो कोरोना से बेहाल हैं, लॉकडाउन से जिनकी स्थिति खराब है, उनके बीच हम लोग मास्क, मिठाई, दवा, खाद्य सामग्री वितरण कर रहे हैं और सादगी के रूप में इस बार हम लोग राहुल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और दिल्ली से जो निर्देश आया है कि हम लोग पूरे प्रखंड स्तर पर गांव, शहर, कस्बा, वार्ड में सर्वे करा रहे हैं कि जो जो लोग कोरोना से मृत्यु हुई है और जिनको राशन नहीं मिला है, सरकार से कोई सहायता नहीं मिला है, उसको जो है हम लोग कांग्रेस की तरफ से उनको सहायता करेंगे। अभी हम लोग सर्वे करा के रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे। आज हम अपने नेता, जनसेवक जो सच्चाई की प्रतीक है, जो तीसरी बार सांसद बने हैं भारत के, और वैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री पर ठुकराकर UPA 1 UPA 2 में आज विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी जी। जिला लोजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना नेता चिराग पासवान को मानते हुए पशुपति नाथ पारस को पीठ में छुरा घोंपने वाला व्यक्ति बताया। शनिवार को जिला लोजपा के कार्यकर्ताओं ने 0 माइल स्थित एक निजी होटल के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोजपा के कई नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान एक एक कर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान लोजपा के नेताओं ने चिराग पासवान को अपना नेता मानते हुए बताया कि चिराग पासवान के साथ अपनों ने ही छुरा भोंकने का काम किया है। नेता उमा राय ने बताया कि हमारे दिवंगत रामविलास पासवान ने पार्टी और परिवार साथ लेके चलने का काम किया है, लेकिन पशुपति नाथ पारस के द्वारा छुरा घोंपने का काम किया गया है, जो पूरी तरह गलत है। उमा राय ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा पार्टी तोड़ने का काम किया जा रहा है। पार्टी के जो भी लोग हैं वो चिराग पासवान को ही अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं और मानेंगे भी। वो ठीक ठाक से थे, काम कर रहे थे, लेकिन इधर पता नहीं उनको क्या हो गया है। जो मिशन हमारे रामविलास पासवान जी का था, गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को आगे लेके चलने का, उसको उठाने का, उस मिशन से हमारे जो पारस जी हैं उस मिशन से थोड़ा सा वो हट गए हुए हैं और पार्टी में थोड़ा सा बगावत किए हैं, लेकिन ये बगावत नहीं है, थोड़ा देर के लिए है और लगता है कि बाद में ये सुधर भी सकता है। लेकिन हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं माननीय चिराग पासवान जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहेंगे ही, आज पूरे समाज में जहाँ भी जाइए, पूरे बिहार की बात मैं करता हूँ, मैं देश की बात मैं करता हूँ, हर जगह दलित समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो भी हो, हर रोज आज चिराग जी को सब लोग मान रहे हैं और वो मानेंगे ही। वो रामविलास जी के जो उनके नक्शे कदम है, जो वो गरीब के जो उत्थान के लिए जो काम किए हैं, उस उत्थान पर वो चल रहे हैं। पार्टी को तोड़ने से वो कुछ नहीं होने वाला है, उन लोगों से कुछ नहीं बिगड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा पशुपति पारस ने कर दिया है कि हम हैं, क्या करेंगे? नहीं नहीं, घोषणा करने से नहीं होता। देखिए, पार्टी का संविधान होता है भैया, हर पार्टी का अपना संविधान होता है, संविधान को देखते हुए वो कोई अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा करेगा। एमपी और एमएलए को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का अगर पावर होता तो हर पार्टी में एमपी हर जगह जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा कर किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता, ये पूरा पूरी अवैध है। युवा जनता दल यूनाइटेड के उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने 11 विधानसभा प्रभारियों के नाम की सूची जारी की। जनता दल यूनाइटेड उत्तर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी के आदेशानुसार उत्तर बिहार के सभी जिलों में प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी करनी थी, जिसको लेकर जिला युवा जनता दल यूनाइटेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इमली चट्टे स्थित जिला जदयू कार्यालय में जिले के सभी 16 प्रखंड अध्यक्ष और 11 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की है। उत्तर बिहार के पूरे जिलों में आज विधानसभा प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, सभी नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष जिसकी सूची जारी हुई है, जिला अध्यक्ष ने आज जारी किया है, प्रदेश से जो सूची आई थी उन सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि जनता दल यू, युवा जनता दल यू सबसे अच्छे तरीके से संगठन को मजबूत करके और राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे एक नया आयाम खड़ा करके मुजफ्फरपुर दिखाएगा। दूसरी बात कि कल होने वाले वर्चुअल सम्मेलन की जो तैयारी चल रही है, उसका आज भी हम लोगों का 1:30 बजे से कार्यक्रम चलना है वर्चुअल सम्मेलन का, और फिर कल चलेगा। जिले के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट वीरेंद्र विश्वकर्मा ने अपने पुत्र के इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए पटना के पारस अस्पताल के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की। जर्नलिस्ट वीरेंद्र विश्वकर्मा के पुत्र पीयूष विश्वकर्मा की कोरोना से संक्रमित होने पर इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में 7 मई को उनके पुत्र का निधन हो गया। पीयूष विश्वकर्मा वीरेंद्र विश्वकर्मा के इकलौते पुत्र थे, जो केनरा बैंक के जूनियर शाखा में पीओ के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पारस अस्पताल पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की सूचना जिलाधिकारी पटना को तत्काल दे दी गई है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होते देख उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष एक याचिका दायर किया, जिसके आलोक में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना द्वारा जिलाधिकारी पटना से 10 दिनों के अंदर मामले की जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा गया। आयोग ने सुनवाई की अगली तिथि 14 जुलाई को मुकर्रर की है। है कि सीनियर फोटो जर्नलिस्ट वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के पुत्र पीयूष विश्वकर्मा की
को जो है कोविड-19 का इलाज है तो पटना के बहुत ही बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के अभाव में 7 मई 2021 को उनका निधन हो गया। जब ये लोग अपने पुत्र का डेड बॉडी लेने के लिए जब गया तो वहां पर इन लोगों ने देखा कि इनके पुत्र के जो पेशाब का थैली है वहां पर जो है तो खून का थक्का जमा हुआ था, लाल रंग का पूरा, और लगभग 7 लाख से अधिक रुपया पारस अस्पताल के द्वारा लिया गया। और उसके बाद में अब आया कि भाई इन्होंने इस बात की तहकीकात के लिए जिलाधिकारी पटना के समक्ष इन्होंने गुहार लगाया, अस्पताल प्रबंधन के पास गुहार लगाया कि भाई हमारे पुत्र का अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो वहाँ पर उसके पेशाब के थैली में लाल रंग का जो है सो खून का थक्का कैसे जमा हो जाएगा, जाहिर सी सवाल है कि भाई कैसे जमा हो जाएगा। तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक बात नहीं किया गया, कोई पहल नहीं किया गया अस्पताल के द्वारा, जिलाधिकारी पटना को सूचना दी गई लेकिन कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। तो उन लोगों को यह विश्वास हो गया कि नहीं, पारस हॉस्पिटल के द्वारा इनके पुत्र का दोनों किडनी निकाल करके और तब इनके पुत्र की हत्या की गई है, जिसके लिए परिवादी ने मानवाधिकार आयोग में एक अर्जी दाखिल किया। उस अर्जी के आलोक में 10 दिनों के अंदर में जिलाधिकारी पटना से एक रिपोर्ट तलब किया गया है और अब देखना यह है कि जिलाधिकारी पटना के द्वारा क्या रिपोर्ट दिया जा रहा है। महेश्वरी समाज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नवी पर महेश नवी पूजा का आयोजन किया गया। ज्येष्ठ शुक्ल नवी के अवसर पर शनिवार को पुराने बाजार स्थित केदारनाथ रोड निवासी महावीर लट्टा के आवास पर महेश्वरी समाज के द्वारा महेश नवमी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महेश्वरी समाज के सदस्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भव्य पूजा अर्चना की गई। वहीं मौके पर उपस्थित सदस्यों ने बताया कि ऋषियों के श्राप के निष्प्राण हुए खंडेलपुर के 72 क्षत्रिय उपराव को भगवान महेश जी और माता पार्वती ने ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के दिन कृपा वरदान देकर एक नया जीवन दान दिया और एक नए वंश महेश्वरी वंश की उत्पत्ति की। तभी से इस दिन को महेश्वरी समाज में महेश नवमी के रूप में मनाया जाता है। समाज की उत्पत्ति दिवस के रूप में हम महेश नवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से हर साल ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को मनाते हैं। ऐसे तो यह त्यौहार हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण भगवान महेश की का पूजन कर अभी 2 साल से हम मना रहे हैं। तो 21 साल भी हम लोगों ने अपने सभी सदस्यों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।